गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने बैक्टीरियल एंड वायरल डिजीज को कंप्लीट किया और आज हम लोग जो है वो प्रोटोजोन डिजीज को स्टार्ट करने वाले हैं। ओके, तो आज हमारा टॉपिक होगा प्रोटोजोन डिजीज। जैसा कि हमने आपको पहले की क्लास में भी बोला था कि आप थोड़ा सा प्रोटोजोआ, फंगाई, बैक्टीरिया एंड वायरस का जो क्लास 11 का बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का जो चैप्टर है एक बार आप उसको रिवीजन कर लीजिए। उससे आपको बेनिफिट क्या होगा कि वहां पर भी कुछ डिजीज हैं और जब आप वायरस के बारे में जानेंगे तो उससे रिलेटेड डिजीज के बारे में समझना आसानी होगी। जैसे आज हम लोग जो प्रोटोजोन डिजीज में पढ़ने वाले हैं मलेरिया के बारे में। मलेरिया जो है वो प्लाज्मोडियम से होने वाला डिजीज है, तो प्लाज्मोडियम के बारे में आपको पूरा डिटेल जो है वो प्रोटोजोआ करके जो किंगडम ऑफ प्रोटिस्टा है उसमें आपको मिलेगा। तो एक बार रिकॉल कीजिएगा दोबारा से, किंगडम ऑफ प्रोटिस्टा, किंगडम ऑफ फंगाई, किंगडम ऑफ बैक्टीरिया यानी मोनेरा। तो ये सब जो है आपको थोड़ा हेल्प करेंगे ये सब डिजीज के बारे में समझने में। तो चलिए हम लोग देखते हैं अभी ये प्रोटोजोन डिजीज में। तो सबसे पहले आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं प्रोटोजोन डिजीज में मलेरिया। जितना भी डिजीज मैंने आपको पढ़ाया अभी तक वायरल, बैक्टीरियल, उसमें पूरे एनसीईआरटी में सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बड़ा डिजीज जो है वो हम लोगों को जानना है मलेरिया के बारे में। और नंबर ऑफ क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू नीट पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज्यादा क्वेश्चन अभी जो है किसी डिजीज से है वो है मलेरिया से, क्योंकि ये टॉपिक ही बहुत बड़ा है। इतना बड़ा कोई डिजीज के बारे में हम लोगों को नहीं जानना जितना मलेरिया के बारे में पूरा डिटेल जानना है। तो इसीलिए इसको बहुत अच्छे से रिवीजन करते रहना है और अच्छे से इसको देखना है हम लोगों को कि मलेरिया आखिर एक्चुअली में क्या है। ओके, तो सबसे पहले देखिए मलेरिया, मलेरिया डिजीज जो है वह किससे होता है। तो मलेरिया डिजीज जो है वह इट इज Caused by malaria parasite। और मलेरिया पैरासाइट को ही हम लोग यहां पर यानी वो क्या है, तो वह है प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम वही किंगडम ऑफ प्रोटिस्टा में आपको पूरा मिलेगा डिटेल, तो एक बार इसको आप देख लेंगे। तो इट इज काउज बाय मलेरिया, ये मतलब मलेरिया जो है किसके वजह से, तो काउज बाय मलेरिया पैरासाइट यानी प्लाज्मोडियम। इस प्लाज्मोडियम के टू होस्ट होते हैं, यानी प्लाज्मोडियम यानी मलेरिया हमें किसी एक फैक्टर की वजह से नहीं, ठीक है। तो प्लाज्मोडियम के दो होस्ट होते हैं। होस्ट का मतलब क्या हुआ, जैसे हम आपके घर पे आकर के रुकेंगे तो हम होस्ट हुए और आप हमारे लिए क्या हुए, ठीक है, आप हमारे होस्ट हुए और हम आपके लिए क्या हुए, गेस्ट हो गए। तो होस्ट एंड गेस्ट का मतलब यानी जब इंडियन टीम इंडिया में खेलेगी, ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया की टीम इंडिया में आ गई तो इंडिया क्या हुआ, होस्ट हुआ और ऑस्ट्रेलिया की टीम क्या हुई, गेस्ट हो गई। तो उसी तरह ये मलेरिया पैरासाइट जब किसी के बॉडी में जाके रहेगा यानी प्लाज्मोडियम जिसके बॉडी में जाके रहेगा तो वह उसका क्या होगा, होस्ट हो जाएगा। जैसे ह्यूमन बॉडी और फीमेल एनोफिलीज ये दोनों होस्ट होते हैं और ये क्या है, या गेस्ट है। तो प्लाज्मोडियम है टू होस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, यानी कि प्लाज्मोडियम के दो होस्ट हैं। कितने, टू होस्ट हैं। तो वो कौन कौन से होस्ट हैं, तो वह होस्ट है, एक है फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो, तो पहला होस्ट ये, दूसरा कौन सा होस्ट है, तो सेकेंड होस्ट ह्यूमन। तो आइए देखते हैं दोनों होस्ट के बारे में कि कौन से होस्ट में अब क्या काम करता है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर होस्ट हम लोग या फीमेल
एनोफिलेज, मॉस्किटो के बारे में अगर बात करें कि फीमेल एनोफिलेज मॉस्किटो में क्या काम करेगा, तो जितने भी सेक्सुअल स्टेज हैं, यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जितने भी स्टेजेज हैं, डेट स्टेजेज आर कंप्लीट इनटू फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो। तो प्लाज्मोडिया यानी प्लाज्मोडियम कंप्लीट देयर सेक्सुअल स्टेज स्टेजिंग इन मॉस्किटो। तो प्लाज्मोडियम अपना जितना भी उसके रिप्रोडक्शन के लिए, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए जितने भी स्टेज होते हैं, वो सारे स्टेज वो किसमें कंप्लीट करेगा, तो फीमेल एनोफिलीज में कंप्लीट करेगा। सेक्सुअल स्टेज में भी क्या, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कौन सा स्टेज, तो फर्टिलाइजेशन, जायगोट फॉर्मेशन, और साथ ही साथ जायगोट के बाद जो नया प्लाज्मोडियम का ग्रोथ होने वाला है, बनने वाला नया प्लाज्मोडियम वो, तो ये सारा चीज किसमें कंप्लीट करेगा वो, तो ये करेगा फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो के अंदर में। फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो के अंदर में भी जो फीमेल एनोफिलीज का जो स्टमक पार्ट है, उस पार्ट में मेन रूप से यह कंप्लीट करता है, यानी उसके स्टमक में जाएगा और ये कंप्लीट जो है उसके अंदर ग्रोथ करेगा। और इसीलिए फीमेल एनोफिलीज को हम लोग क्या कहते हैं, तो यह इसका डेफिनेटिव होस्ट हुआ। तो मॉस्किटो इज कंसीडर एज डेफिनेटिव होस्ट, यानी मॉस्किटो को ये क्या हो गया, डेफिनेटिव होस्ट। मॉस्किटो इज कंसीडर एज डेफिनेटिव होस्ट। डेफिनेटिव होस्ट आपसे पूछेगा तो याद रखना है कि फीमेल एनोफिलीज इज द डेफिनेटिव होस्ट। सेकेंड होस्ट कौन सा है, ह्यूमन है। ह्यूमन बॉडी, तो जितने भी मॉस्किटो का, यानी ये सॉरी प्लाज्मोडियम का जो एसेक्सुअल स्टेज है और एसेक्सुअल स्टेज आर ऑल एसेक्सुअल स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम कंप्लीट इन ह्यूमन बॉडी। तो जितने भी एसेक्सुअल स्टेज है प्लाज्मोडियम का, वो कहां कंप्लीट करेगा, तो ये ह्यूमन बॉडी के अंदर में कंप्लीट करेगा। और ये बात हमें ध्यान में रखना, एक में सेक्सुअल स्टेज तो दूसरे में एसेक्सुअल स्टेज, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आप जानते हैं, रिप्रोडक्शन आप कंप्लीट कर चुके हैं, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ज्यादा फास्टर होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से। यानी प्लाज्मोडियम का ग्रोथ जो है वह ह्यूमन बॉडी के अंदर क्या होगा, ज्यादा होगा। तो इसीलिए और इसलिए ह्यूमन बॉडी इज कंसीडर एज इंटरमीडिएट या सेकेंडरी होस्ट। तो ह्यूमन बॉडी जो हुआ वो क्या हुआ, सेकेंडरी होस्ट हुआ। देखिए एक चीज ध्यान में रखना है आपको कि जो प्लाज्मोडियम है, प्लाज्मोडियम मॉस्किटो को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है। मॉस्किटो सिर्फ एक कैरियर की तरह होता है, वो मॉस्किटो को कभी मारेगा नहीं, मॉस्किटो को डिजीज नहीं करेगा, मॉस्किटो में सिर्फ रहने का काम करता है। और जबकि ह्यूमन बॉडी में अगर वो आता है तो हमें डिजीज काउज करता है।
तो मॉस्किटो इज ओनली ए कैरियर एंड प्लाज्मोडियम डज नॉट अफेक्ट टू मॉस्किटो, उसे और कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, मतलब उसका एनर्जी तो लेगा उसके ब्लड से, उसके बॉडी से, अपना रहेगा, खाएगा, ग्रोथ करेगा। दो तरह की चीजें हुई, एक हुआ कि कोई पर्सन आपके घर पे आया, आपके घर पे रुका, तो रुकेगा तो आपका खाना खाएगा, आपके बेड पे सोएगा, आपका साथ रहेगा, आपका सर्फ साबुन यूज करेगा, ठीक। तो वो सिर्फ आपके प्रोडक्ट को यूज किया, आपका खाना खाया, आपके जो भी उसके डेली यूजेज के सामान है वो यूज किया, लेकिन आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। एक तो ये चीज, यही रिलेशन होता है प्लाज्मोडियम और फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो का। अब दूसरा चीज हुआ कि कोई दूसरा पर्सन, वही पर्सन जो आपके यहां रुका था, वो किसी दूसरे के यहां चला गया, दूसरे के यहां गया तो उसका खाना भी खाया, उसका कॉस्मेटिक आइटम से लेके डिटर्जेंट पाउडर वगैरह सारा यूज किया, और उसका कुछ प्रॉपर्टी भी चुरा के भाग गया। दोनों के बीच में अंतर समझे आप? आपके यहां रह के सिर्फ आपके जो फूड वगैरह है उसका यूज किया, लेकिन दूसरे के यहां गया तो उसका सामान भी यूज किया और उसके वो नुकसान भी पहुंचाया। तो जो नुकसान पहुंचाने का काम है वो प्लाज्मोडियम और ह्यूमन बींग का रिलेशन है। प्लाज्मोडियम हमारे बॉडी के अंदर आएगा और हमें नुकसान भी पहुंचाएगा और हमारा एनर्जी भी यूज करेगा, लेकिन मॉस्किटो के अंदर सिर्फ उसका एनर्जी यूज करेगा, उसे नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तो यही डिफरेंस जो है वह प्लाज्मोडियम का रोल जो है वह ह्यूमन एंड फीमेल एनोफिलीज के बीच में हमें देखने को मिलता है। तो इसीलिए मॉस्किटो जो है वह एक कैरियर की तरह है पैरासाइट के लिए, एंड पैरासाइट कोई उसे हार्म नहीं पहुंचाता है। तो ये देखिए, एक नोट पॉइंट कर लीजिए, इसी में मॉस्किटो इज ओनली ए कैरियर फॉर पैरासाइट। मॉस्किटो इज ओनली ए कैरियर फॉर पैरासाइट एंड पैरासाइट डू नॉट हार्म टू मॉस्किटो। ओके, तो इतना चीज पहले आपको ध्यान में रखना है। अब एक चीज देखो, थोड़ा सा अगर हम लोग मलेरिया की हिस्ट्री की बात करें तो मलेरिया को सबसे पहले किसने खोजा? एक साइंटिस्ट है लेवरन, LAVERAN। लेवरन ने सबसे पहले मलेरिया के डिजीज की डिस्कवरी की कि आखिर मलेरिया जो है वह प्लाज्मोडियम पैरासाइट के वजह से होता है। ये जो डिस्कवरी है वह लेवरन ने किया था। उसके बाद में आते हैं डॉक्टर सर रोनाल्ड रॉस, जिन्होंने बताया था कि मलेरिया और साथ ही साथ मॉस्किटो, यानी मॉस्किटो और प्लाज्मोडियम के बीच में जो रिलेशन है वह सर डॉक्टर रोनाल्ड रॉस ने दिया था। डॉक्टर रोनाल्ड रॉस जो है नाम सुनने में इंग्लिश लगता है, लेकिन ये एक्चुअली इंडियन थे। अल्मोरा एक जगह है इंडिया में और वहीं पे इनका जन्म हुआ था। तो ही वाज ए इंडियन डॉक्टर, नाम है अंग्रेज के जैसा रोनाल्ड रॉस, दैट मींस लगेगा कि किसी यूरोपियन कंट्री के हों, लेकिन वो इंडियन थे, ठीक है। तो उन्होंने ये रिलेशन को बताया, एंड लेवरन ने सबसे पहले ये बताया कि हाँ ये मलेरिया जो है वह किसके वजह से, तो मलेरिया जो है प्रोटोजोन के वजह से होता है। 1907 में इन्होंने दिया था और इन्होंने नोबेल प्राइज भी अवार्ड किया था। तो लेवरन डिस्कवर्ड दैट मलेरिया कॉज्ड बाय प्लाज्मोडियम पैरासाइट। ही गॉट नोबेल प्राइज 1907 में।
ओके उसके बाद में देखिए सेकेंड हमने क्या नाम लिया था सर डॉक्टर रोनाल्ड रॉस सेकेंड सर establish मान लिया ऊपर से नहीं दिखेगा मैं यहां लिख रहा हूं who establish the who establish the relation of malaria caused by malaria caused by bite of मॉस्किटो काटने से मलेरिया होता है ये जो रिलेशन है वो सर डॉक्टर रोनाल्ड रॉस ने दिया था जो कि अल्मोरा के इंडिया में इनका जन्म हुआ था तो सबसे पहले इन्होंने ही बताया था कि हाँ मलेरिया और मॉस्किटो के बीच का क्या रिलेशन है ठीक है अब आइए देखिए अब हमें आखिर ये इन्फेक्शन जो है हमारे बॉडी में कैसे ग्रोथ करता है और क्या क्या इसमें हमें होता है वो थोड़ा सा हम लोगों को फोकस करना है ठीक तो देखिए हेडिंग देंगे हम लोग लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम अपना लाइफ साइकिल कैसे कैसे करता है यानी जो दोनों होस्ट में किस तरह से अपना ग्रोथ करता है वो सारा चीज हम लोगों को देखना है तो प्लाज्मोडियम कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल इन टू होस्ट आप जानते हैं ठीक है दो होस्ट बॉडी के अंदर ये अपने लाइफ साइकिल को पूरा करेगा और वो दोनों होस्ट बॉडी कौन कौन से हैं तो एक है हमारा ह्यूमन बॉडी और दूसरा है फीमेल एनोफिलिन मॉस्किटो जो हम लोग बात कर रहे थे तो पहले देखेंगे हम लोग लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम इन मैन यानी फर्स्ट में आइए ए पॉइंट और बी पॉइंट करके देख लेंगे लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम इन मैन ठीक है यानी ह्यूमन या मैन में कैसे अपना ये लाइफ साइकिल को पूरा करता है प्लाज्मोडियम का जो इन्फेक्टिव स्टेज है यानी जिस स्टेज में वो हमें इन्फेक्शन मलेरिया काउज कराता है उस इन्फेक्टिव स्टेज का नाम है अस्पोरोजॉइट क्या नाम है अस्पोरोजॉइट ठीक है दी इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ दी इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम इज अस्पोरोजॉइट क्या है ये ध्यान रखना है नाम को द इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम इज अस्पोरोजॉइट उसको क्या कहते हैं हम लोग अस्पोरोजॉइट कहते हैं ओके नेक्स्ट देखिए तो इसको हम लोग अस्पोरोजॉइट कहें अब उसके बाद में आइए
सबसे पहले जब कोई कैरियर मॉस्किटो ह्यूमन बॉडी को अगर बाइटिंग की, ठीक है, क्योंकि वो फीमेल एनोफिलीज है, तो कोई भी इन कैरियर मॉस्किटो ह्यूमन बॉडी को बाइट की और बाइट करके वो ब्लड के थ्रू सबसे पहले ये जो स्पोरोजोइट यानी प्लाज्मोडियम जो है वो हमारे लीवर के सेल तक पहुंचेगा, ठीक है। कैसे कैसे साइकिल ये पूरा करता है अपने ह्यूमन बॉडी के अंदर वो चीज देख रहे हैं हम लोग। ड्यू टू बाइटिंग ऑफ कैरियर मॉस्किटो टू ह्यूमन दिस प्लाज्मोडियम reach the liver through blood. ब्लड के थ्रू क्या करेगा हमारे बॉडी के लीवर तक ये पहुंचेगा। ड्यू टू बाइटिंग ऑफ कैरियर मॉस्किटो टू ह्यूमन दिस प्लाज्मोडियम या स्पोरोजॉइट्स भी कह सकते हैं कहां रीच द लीवर थ्रू ब्लड, कहां पहुंच गया हमारे ब्लड के थ्रू लीवर पहुंच गया, ठीक। अब ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूस होगा हमारे लीवर के सेल में और रिप्रोड्यूस होकर के अपना नंबर ऑफ जो इसका स्पोरोजॉइट्स है या नंबर ऑफ जो इसका सेल है यानी कहने का मतलब जो प्लाज्मोडियम है वो नंबर बढ़ा लेगा। प्लाज्मोडियम रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली टू इंक्रीज देयर नंबर एंड ब्रस्टिंग दी एंड ब्रस्टिंग दी उसको ब्रश करेगा किसको लीवर सेल को ब्रस्टिंग दी जिस सेल ने अब ग्रोथ किया था ब्रस्टिंग दी लीवर सेल टू रिलीज एंड इन्फेक्ट टू न्यू लीवर सेल। तो पहले हमने क्या लिखा हम बता रहे हैं आपको कि मान लो कोई मॉस्किटो आके हमारे इस हाथ पे बाइटिंग किया काटा तो मॉस्किटो के लार्वा में अभी आएंगे हम लोग जो लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम इन मैन देख रहे हैं तो उसी तरह लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम इन मॉस्किटो देखेंगे। तो मॉस्किटो के लार्वा में यानी जो सलाइवरी ग्लैंड है उसका उस सलाइवा में यह प्लाज्मोडियम होता है अगर वो कैरियर है तब। नॉर्मल मॉस्किटो है तो जरूरी नहीं है नहीं होगा उसमें। अगर वो कैरियर यानी उसके अंदर मलेरिया का पैरासाइट प्लाज्मोडियम है तो जैसे ही वो हमें बाइट करेगी वो मॉस्किटो तो अपना सलाइवा इंजेक्ट करती है हमारे ब्लड में और उसके सलाइवा में क्या है प्लाज्मोडियम है। तो जैसे ही सलाइवा उसका हमारे ब्लड के कॉन्टेक्ट में आएगा वो प्लाज्मोडियम हमारे ब्लड में आ गया। ब्लड में आया तो ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू पूरा ब्लड हमारे पूरे बॉडी में घूम रहा है वो ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू कहां पहुंचेगा तो हमारे लीवर में पहुंचा और लीवर में जब एक बार पहुंचेगा तो किसी एक सेल के अंदर वो प्लाज्मोडियम इंटर करेगा इंटर करके एसेक्सुअली अपना नंबर बढ़ाएगा। जैसे जैसे नंबर बढ़ाते जाएगा वैसे वैसे लीवर के सेल को वो डैमेज करेगा। पहला बात तो ये हो गया यानी बहुत सारे प्लाज्मोडियम हमारे लीवर में क्या हुए रिप्रोड्यूस होकर के तैयार हो गए और वैसे बहुत सारे हमारे लीवर सेल को डैमेज भी करते हैं। अब ये हो गया जब लीवर सेल के अंदर अपना नंबर बढ़ा लेंगे उसके बाद ये हमारे अब आरबीसी को इन्फेक्ट करेंगे। नाउ प्लाज्मोडियम
रीच टू आरबीसी एंड इंटर इनटू इट टू रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली एंड ब्रस्टिंग द रेड ब्लड सेल। अब आरबीसी के अंदर आया तो आरबीसी के अंदर भी आकर के क्या करेगा, उस आरबीसी के अंदर आकर के रिप्रोड्यूस करके और उस सेल को भी ब्रस्ट कर देगा आरबीसी को भी, और जब वहां से रिलीज होगा ठीक है तो रिलीज होकर के फिर से रेडी हो जाएगा क्या करने के लिए, तो नए आरबीसी को इन्फेक्ट करने के लिए। और उसी पीरियड में जो है वह हमें साइक्लिक क्या होंगे, फीवर आएगा एंड अदर सिम्टम्स आना स्टार्ट होते हैं एंड ब्रशिंग द रेड ब्लड सेल कॉजिंग साइक्लिक फीवर एंड अदर सिम्टम्स। रिलीज प्लाज्मोडियम इन्फेक्ट टू न्यू आरबीसी, और जो प्लाज्मोडियम रिलीज हुआ था आरबीसी को ब्रश करने के बाद अब वो रेडी है नए आरबीसी को इन्फेक्ट करने के लिए। तो इतना सारा साइकिल जो है वह चलते रहता है। उसके साथ ही साथ जो गैमेटोसाइट्स है यानी गैमेट का फॉर्मेशन वो भी कहां पूरा कर लेगा, यानी गैमेट का फॉर्मेशन बना लेगा आरबीसी के अंदर ही। यहां तक तो कर दिया काम, जब उसका नंबर अच्छा खासा बढ़ जाएगा, पहले एसेक्सुअली ही रिप्रोडक्शन करके अपना नंबर बढ़ाएगा, और जब उसका नंबर अच्छा खासा बढ़ गया उसके बाद वो क्या करेगा, अब सेक्सुअली स्टेज में वह अपने गैमेटोसाइट को डेवलप करेगा। तो सेक्सुअल स्टेज गैमेटोसाइट डेवलपिंग आरबीसी, यानी सेक्सुअल स्टेज गैमेटोसाइट डेवलप इन, कहां डेवलप कर लिया तो आरबीसी के अंदर या अपना डेवलप कर लिया गैमेटोसाइट को। ओके तो इतना तक ये पूरा हो गया, यहां तक की बात को ध्यान में रखना है। और ये पॉइंट आप याद रखो कि सेक्सुअल स्टेज में गैमेटोसाइट को क्या किया है, वह डेवलप कर लिया है ठीक। गैमेट का फॉर्मेशन कहां हो गया, आरबीसी में कर लिया। अब लाइफ साइकिल हम लोग देखेंगे, इन लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम इन मॉस्किटो या फिर फीमेल एनोफिलीज। तो लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम इन फीमेल एनोफिलीज, तो अब ये बी पॉइंट कर देते हैं, ये पॉइंट ए किए थे हम लोग, इसको बी पॉइंट किया ने लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम इन मॉस्किटो या फीमेल एनोफिलीज एक ही चीज। वहां मॉस्किटो की जब भी बात करेंगे तो सिर्फ फीमेल एनोफिलीज ही आपको याद रखना है, क्योंकि मलेरिया का कैरियर जो है वह कौन है, तो फीमेल एनोफिलीज ही है, बाकी कोई दूसरा नहीं है। एडीज एगिप्टी जो है वह चिकनगुनिया और डेंगू के लिए आया था, यहां के लिए सिर्फ आपको ध्यान रखना है किसके बारे में, तो वह है फीमेल एनोफिलीज के बारे में। अब देखो कि फीमेल जो मॉस्किटो है वह गैमेटोसाइट जो है वह कहां से लेगी, तो ब्लड मिल से, तो फीमेल
एनोफिल इज टेक गैमेटोसाइट फ्रॉम ब्लड मिल ड्यूरिंग बाइटिंग ऑफ मलेरिया पेशेंट। यानी जब कोई मलेरिया का पेशेंट है और उसके ऊपर कोई फीमेल एनोफिलीज आकर के बाइटिंग करेगी, तो बाइटिंग करने के लिए उसके ब्लड के कांटेक्ट में आएगी, उसका ब्लड सक करेगी। जैसे ही ब्लड सक करेगी तो उसके ब्लड में क्या है, उसके ब्लड में प्लाज्मोडियम है। अब वो प्लाज्मोडियम कहां चला गया, तो वो प्लाज्मोडियम चला गया फीमेल एनोफिलीज के बॉडी में। क्लियर? तो वही चीज लिखे हैं हम कि फीमेल एनोफिलीज यानी मॉस्किटो टेक गैमेटोसाइट। गैमेटोसाइट ये कहां बना था, तो ये देखो हमने इसलिए इसको कहा था, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। तो गैमेटोसाइट कहां बना, आरबीसी में। और यही आरबीसी अगर मॉस्किटो के बॉडी में चला गया तो अब प्लाज्मोडियम पहुंच गया किसके अंदर, मॉस्किटो यानी फीमेल एनोफिलीज के बॉडी में पहुंच गया। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, फीमेल एनोफिलीज टेक गैमेटोसाइट फ्रॉम ब्लड मिल ड्यूरिंग बाइटिंग ऑफ मलेरिया पेशेंट। यानी मलेरिया पेशेंट को जैसे ही बाइट करेगी फीमेल एनोफिलीज, अब वो क्या होगा, उसके अंदर चला गया। तो जब गैमेट पहुंच गया तो गैमेट का फर्टिलाइजेशन, तो क्या हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट टेक्स प्लेस इन स्टमक ऑफ मॉस्किटो। तो जैसे ही वो ब्लड को अपने स्टमक में लेगी तो जो जाइगोट बन के रेडी था वो जाइगोट अब फर्टिलाइजेशन करेगा। तो यहां पर फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट, तो क्या होगा, डेवलप, जब फर्टिलाइजेशन होगा तो क्या डेवलप होगा, जाइगोट। और वो कहां बनेंगे, तो वह स्टमक ऑफ मॉस्किटो में, यानी फीमेल एनोफिलीज के स्टमक में जाइगोट का डेवलपमेंट हो गया। एंड उसी जाइगोट जो है, जो जाइगोट डेवलप करता है, अब वो मोटाइल हो जाता है और उसी का नाम है ऊकाइनेस। जाइगोट बिकम्स एंड बिकम्स मोटाइल कॉल्ड ऊकाइनेस। ठीक है, अब उसी को क्या कहेंगे हम लोग, ऊकाइनेट कहते हैं। ऊकाइनेट फिर जो है वो चेंज हो जाता है ऊसिस्ट में। तो यहां पे हमें एक लाइन अब मिटाना पड़ेगा थोड़ा, तब नेक्स्ट पॉइंट को हम लोग देखते हैं, लिखेंगे यहां पर। तो ये देखिए, तो अब एनआईटी से भी लिख सकते हैं, एनवाईटी से भी लिख सकते हैं, कंफ्यूजन ज्यादा रखने की जरूरत है। ऊ के एन वाई एन ई काइनी, ठीक है। तो ऊ काइनी चेंजेज इन टू, तो उसमें कुछ डेवलपमेंट होगा जिसकी वजह से उसमें चेंजेज होगा, उसी का नाम पड़ जाएगा उसी, ठीक है। तो ये दोनों नाम थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो जो ऊकाइनेट जो बना था अब वो चेंज होकर के क्या हो जाएगा, उसिस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ये दोनों तरह से मिल सकता है,
तो आप लोग कंफ्यूजन के लिए OOKINETE जो पहले लिखे थे इसमें भी हो सकता है और वो काइनेट भी हो सकता है, ठीक है। हाँ तो चेंज इनटू ऊस्टिस्ट, ठीक है। तो ऊस्टिस्ट का फॉर्मेशन हो गया यहां तक। अब जो एस्पोरोजॉइट है, एस्पोरोजॉइट जो है वह डेवलप होता है इसी ऊस्टिस्ट के अंदर में, ठीक। तो ये जो है यानी कि होगा क्या कि बहुत सारे एस्पोरोजॉइट या प्लाज्मोडियम का फॉर्मेशन होना है। तो एस्पोरोजॉइट्स आर फॉर्म इनसाइड द ऊसिस्ट। अब जब एस्पोरोजॉइट्स मैच्योर होगा तो इसमें से ऊसिस्ट से बाहर आएगा और वो मॉस्किटो के होल बॉडी में स्प्रेड करेगा, फैलेगा थ्रू द ब्लड, और उसी तरह वो स्प्रेड करते करते उसके सलाइवा में भी इंटर करता है। मैच्योर एस्पोरोजॉइट्स रिचेज ऑल ओवर ऑफ द बॉडी ऑफ रिकेज ऑल ओवर ऑफ द बॉडी ऑफ किसके बॉडी में तो ऑफ मॉस्किटो इंक्लूडिंग स्लेवरी ग्लैंड। तो स्लेवरी ग्लैंड तक में भी यह पहुंच गया। नाउ दिस कैरियर मॉस्किटो बाइट टू एनी हेल्दी पर्सन। अब यही जो कैरियर मॉस्किटो है अब किसी भी हेल्दी पर्सन को अगर वो बाइट करेगी तो क्या होगा, बाई करेगी तो ऑब्वियस ही बात है कि वो पहले अपना सलाइवा को उसके ब्लड के अंदर इंजेक्ट करेगी। तो जैसे ही वो अपने सलाइवा को इंजेक्ट करती है किसी एक हेल्दी पर्सन को तो वो क्या होगा, वहां पर वह एस्पोरोजॉइट्स को भी दे देगी। हेल्दी पर्सन एस्पोरोजॉइट्स एस्पोरोजॉइट्स इंजेक्टेड इनटू किसी भी हीज हर जो है मेल फीमेल जो है हीज हर इंजेक्टेड इनटू हीज हर विथ सलाइवा। तो सलाइवा के साथ में उसको एस्पोरोजॉइट को क्या की मिक्स कर। तो इस तरह से ये दो लाइफ साइकिल जो है वो आप कंप्लीट देख रही है कि किस तरह से ह्यूमन बॉडी के अंदर ये ग्रोथ किया, यानी सबसे पहले कोई मच्छर काटा हमारे ब्लड के थ्रू हमारे लीवर में पहुंचा, लीवर में जाकर के वो ग्रोथ करके जिस सेल में ग्रोथ करेगा उस लीवर सेल को मार करके नंबर बढ़ा लेगा, जब ज्यादा नंबर हो जाएगा तो हमारे आरबीसी के कांटेक्ट में आएगा। क्यों? क्योंकि ब्लड तो सर्कुलेट हो रहा है पूरे बॉडी में ना, तो हमारा ब्लड कहाँ पहुंचता है, लीवर में पहुंचता है, और लीवर में ही यह अपना ग्रोथ किया है तो लीवर के अंदर भी मिक्स हो गया ब्लड से, और फिर ब्लड के अंदर घूम रहा है और उसी ब्लड को हमारा मारना चालू किया। जब ब्लड को मारना चालू करता है तो साइक्लिक फीवर एंड मलेरिया के जो अदर सिम्टम्स हैं वो आना चालू हो जाते हैं। बहुत सारे सिम्टम्स हैं, बहुत ज्यादा टेम्परेचर इतना हो जाता है कि 106 डिग्री तक चला जाता है, खूब ठंडी लगना हर 48 आवर में या 72 आवर पे क्या होना, फीवर आना, तो साइक्लिक फीवर उसको कहते हैं। तो उसी पीरियड में ये सब सिम्टम्स आना चालू होता है जब वो हमारे आरबीसी को मारना स्टार्ट कर देता है।
तो ये दोनों जो है वो लाइफ साइकिल जो है वो इसके पार्ट है, ठीक है। अब हम लोग कंप्लीट एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देखेंगे कि आखिर किस तरह से यह इन्फेक्ट करता है किसको, तो मॉस्किटो के बॉडी में और हमारे बॉडी के अंदर में, ठीक है। तो ये पूरा पार्ट अगर हुआ आपका तो अब हम लोग कंप्लीट इसका एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन के थ्रू देखेंगे। नेक्स्ट, तो अब इसी चीज का हम लोग क्या करने वाले हैं, तो एक डायग्राम के थ्रू ये सारी चीजों को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से ये क्या हो रहा है, ठीक है। एक हाथ का डायग्राम बनाना है हमें और उस पर मॉस्किटो की बाइटिंग दिखानी है, जिससे हमें ये मदद मिलेगा थोड़ा समझने में। बहुत ज्यादा तो नहीं, थोड़ा सा कोशिश किया मैंने थोड़ा ये हाथ को बनाने का। अब इसमें कोई हंसने वाली बात आप नहीं करेंगे, चलिए ओके। तो ये एक हाथ हुआ, अब यहां पे कोई मॉस्किटो आके इस बॉडी के पार्ट पे बाइटिंग की, ठीक। मॉस्किटो बनाना एक और चैलेंज है, तो ये हम लोग देखेंगे और इस चैलेंज को एक्सेप्ट करेंगे कि यस हम लोग मॉस्किटो भी बना सकते हैं, लेकिन कितना सफल होते हैं ये डायग्राम के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये मॉस्किटो का बाइटिंग हो गया। अब आप सोचेंगे सर ये मॉस्किटो किस हिसाब से है, तो आप सोच लीजिए, दिस इज कैरियर मॉस्किटो,
जब ये मॉस्किटो ने इस बॉडी पे बाइटिंग किया तो इसने क्या दे दिया, इसने बॉडी के अंदर ये दे दिया स्पोरोजॉइट्स, ठीक है, ये इस तरह से स्पोरोजॉइट्स हैं, आ गए बॉडी में एंटर कर गया ये स्पोरोजॉइट्स। ये स्पोरोजॉइट्स अब ब्लड के थ्रू, हमने क्या बोला था ब्लड के थ्रू कहां पहुंचेगा, तो ये स्पोरोजॉइट्स अब ब्लड के थ्रू पहुंच गया है ये हमारे बॉडी के लीवर तक, ठीक, ये स्पोरोजॉइट्स आ गया हमारे बॉडी के लीवर में, यहां पर ये हमारे बॉडी के लीवर में आ गया, दिस इज लीवर, समझ के चलना है, ठीक है, जितना भी डायग्राम बन सका उसमें हम लोग देखेंगे। जब बॉडी के लीवर में आएगा तो ऑब्वियसली बात है कि बॉडी किसी लीवर के एक सेल को क्या करेगा, इन्फेक्ट करता है। तो मान लीजिए ये हमारा बॉडी का, ये हमारे लीवर का कोई एक सेल है, ये हुआ लीवर का सेल और उसके अंदर ये स्पोरोजॉइट आ गया, ठीक है, ये स्पोरोजॉइट अब क्या करेगा, एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस होके अपना नंबर बढ़ा लेगा, तो ये एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस हुआ और एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस होके अपना नंबर बहुत सारा बढ़ा लिया, ठीक, नंबर बढ़ा लेगा तो क्या करेगा, नंबर बढ़ा लेगा तो ये स्पोरोजॉइट रिलीज होगा, यानी इसको ब्रश करके और इसके अंदर से बाहर आ जाए, और इसको रिलीज करके ब्रश कर दिया तो अब ये सेल गया, मर गया, और यहां से बहुत सारे स्पोरोजॉइट फिर से बाहर आ गए, ओके, और फिर से ये साइकिल इस तरह से गया। अब कोई नया सेल ढूंढेगा इसको क्या करने के लिए, इन्फेक्ट करने के लिए, तो यहां पे इस तरह से ये क्या करेगा, काम चलाता रहेगा, ओके। अब उसके बाद में ये जो रिलीज हुआ है स्पोरोजॉइट्स, अब ये इन्फेक्ट करेगा किसको, तो अब ये इन्फेक्ट करेगा हमारे आरबीसी को, तो अब यहां से ये कहां जाएगा, तो हमारे आरबीसी के पास जाएगा, ओके, अब ये इन्फेक्ट करेगा हमारे किसी एक आरबीसी, अब आप आरबीसी को ले लीजिए, आरबीसी जो है वह स्फेरिकल शेप में रहता है, तो यहां पर हमने दिखा दिया इसको, अब ये आरबीसी हमारा इस तरह से आरबीसी के अंदर आएगा, तो अब आरबीसी के कोई भी एक प्लाज्मोडियम किसी भी एक आरबीसी के अंदर गया, एक सिंगल प्लाज्मोडियम आया एक आरबीसी में, ठीक है, ऐसे ऐसे जितने भी प्लाज्मोडियम होंगे उतने सारे आरबीसी को इन्फेक्ट करेगा, ऐसा नहीं कोई एक करेगा बाकी वेट करता रहेगा, ऐसा कुछ नहीं होता है, यहां पर भी इतने सारे प्लाज्मोडियम है तो ऐसा नहीं कोई एक ही प्लाज्मोडियम किसी एक ही लीवर सेल को करेगा, जितने प्लाज्मोडियम को जो जो लीवर सेल मिलेगा उसके अंदर इंटर करके उसको एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करके अपना नंबर बढ़ाएगा, उसको मारना चालू करेगा, तो इस तरह से बातों को समझिए, हम किसी एक को ही दिखा करके साइकिल को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये फिर क्या होगा, यहां पर फिर से ये अब अपना नंबर बढ़ाया, यानी ये बहुत सारे फिर से अब ये क्या हो गया, ये बहुत सारे प्लाज्मोडियम इसके अंदर ग्रोथ कर गया, प्लाज्मोडियम का ग्रोथ होगा तो फिर से क्या करेगा, ये फिर से इस आरबीसी को ब्रश करेगा, अब यहां पर ये आरबीसी भी ब्रश हुआ, आरबीसी ब्रश हो गया और इसके अंदर से भी बहुत सारे प्लाज्मोडियम जो है वह रिलीज हो गए, ये साइकिल अब यहां पे भी इस तरह से कंटिन्यू चलता है, ठीक, तो वहां पे देखो आरबीसी को मारा, आरबीसी जिस आरबीसी को मारेगा वहां से रिलीज होके निकलते चला गया, अब ये जो रिलीज जो पैरासाइट है वह इन्फेक्ट करेगा किसी न्यू आरबीसी को, तो ये जो है यहां पे रिलीज हुआ, अब किसी न्यू पैरासाइट को क्या करेगा, इन्फेक्ट टू न्यू पैरासाइट यानी न्यू आरबीसी, अब ये कोई नया आरबीसी को इन्फेक्ट किया, ठीक, ये आरबीसी है और इस आरबीसी में ये पैरासाइट आके
इन्फेक्ट कर दिया एक नए आरबीसी को, रिलीफ पैरासाइट इन्फेक्ट टू न्यू आरबीसी। क्यों? यो लाइन वो स्टेटमेंट याद कीजिए कि ये सेक्सुअल स्टेज ऑफ गैमेटोसाइट डेवलप इन आरबीसी, यानी गैमेट का अब उसे फॉर्मेशन कराना है। तो गैमेट का फॉर्मेशन कराने के लिए अब ये क्या किया है, इस आरबीसी के अंदर इंटर किया है। तो मान लो इस तरह से हम दिखा दे रहे हैं, ये आरबीसी के अंदर आकर के और ये अपना ये आ गया, ठीक। अब ये क्या करेगा, ये गैमेट का फॉर्मेशन करवाएगा, दोनों मेल और फीमेल गैमेट दोनों अलग अलग दो गैमेट का, ये गैमेटोसाइट का फॉर्मेशन करवाएगा। तो ये सेक्सुअल स्टेज गैमेटोसाइट डेवलपिंग आरबीसी। तो ये इस तरह से यानी आरबीसी के अंदर अलग अलग आरबी, ऐसा नहीं कि यही आरबीसी डिवाइड कर गया है, दिखाने का तरीका कि ये दो अलग अलग गैमेट बन गया इसके अंदर इस तरह से गैमेटोसाइट, और दोनों गैमेटोसाइट फिर इस आरबीसी से रिलीज हो जाएंगे। तो यहां से और यहां से ये गैमेटोसाइट क्या होंगे, ये रिलीज होंगे, ये क्या हो गया, ये गैमेटोसाइट हो गया। किसका? तो प्लाज्मोडियम का गैमेटोसाइट अब बन के रेडी हो गया। यही गैमेटोसाइट अब क्या होगा, ह्यूमन बॉडी के अंदर जाएगा, नहीं सॉरी, ये गैमेटोसाइट बन गया ह्यूमन बॉडी के अंदर। अब जब कोई यानी फिर से ये कहां रेडी है गैमेटोसाइट, ये गैमेटोसाइट रेडी है ह्यूमन बॉडी में, ठीक, ह्यूमन बॉडी के आरबीसी में रेडी है। और जब इसी दौरान जब ये रेडी है गैमेटोसाइट, और अब इसके ऊपर कि कोई मॉस्किटो आकर के बाइट किया और बाइटिंग हो गया, किसका, इस मॉस्किटो का, ठीक। जब बाइट किया तो ये स्पोरोजॉइट्स क्या होंगे, स्पोरोजॉइट्स इस ब्लड को, ये कहां है, ये ब्लड के अंदर में है। और जब ये ब्लड मिल को लेगा मॉस्किटो तो ये क्या होगा, अब इसके बॉडी के स्टमक में इंटर कर गया। तो जब बॉडी के इसके स्टमक में जाएगा तो अब ये क्या ग्रोथ करके क्या बन जाएगा, तो अब ये मॉस्किटो के बॉडी के अंदर जाकर के ये फर्टिलाइजेशन करके, और फर्टिलाइजेशन करके डेवलप हो जाएगा किसके, किसमें, तो जायगोट में। तो फीमेल गैमेटोसाइट इंटर किया, फर्टिलाइजेशन करेगा, ठीक है, यानी अब ये इसके बॉडी के अंदर अब ये डेवलप कर जाएगा किसमें, तो जायगोट में। और जायगोट जब डेवलप करेगा तो जायगोट डेवलप करके बताया था हमने आपको उसिस्ट, जगह कम पड़ेगा हमें आगे अभी और दिखाना है साइकिल, यानी पहले ये समझ लो अब ये जायगोट जो है वो डेवलप करके अब ये फिर क्या बनाएगा,
जाइगोट डेवलप किया, जाइगोट डेवलप करके इसी तरह अब उसके सलाइवा में ये हुआ उसका सलाइवरी ग्लैंड तक, यानी बहुत सारे स्पोरोजॉइट्स का फॉर्मेशन हो गया। ये देखिए बहुत सारे स्पोरोजॉइट्स का फॉर्मेशन हो गया। ओके, अब ये इतने सारे स्पोरोजॉइट्स का फॉर्मेशन हुआ और उसके सलाइवा में क्या होंगे, मिक्स कर जाएंगे। और यही जो मॉस्किटो है, अगर यही जिसके सलाइवा में जो स्पोरोजॉइट्स इन सलाइवरी ग्लैंड स्लैब्रिक्लैंड, अब ये किसी हेल्दी पर्सन को ऐसा मॉस्किटो जो बाइट करेगा तो उसके अंदर ये देखिए आ गया, बाइट किया तो ये क्या दिया, यानी इसके बॉडी के अंदर क्या है, ये बहुत सारे स्पोरोजॉइट्स हैं, ये दिखा दिया मैंने इसमें भी। तो इस तरह से साइकिल कंप्लीट चलते रहता है, आपको इसी साइकिल को थोड़ा सा ध्यान में रख के काम करना है। अब हम जहां पे हैं उसका थोड़ा सा लेबलिंग कर दें, तो स्पोरोजॉइट रीच द लीवर थ्रू ब्लड, यानी यहां पर ये जो बात है स्पोरोजॉइट रीच द लीवर थ्रू ब्लड, यानी ये क्या है, ये लीवर है, ये कोई भी एक ह्यूमन बॉडी, जरूरी है कि हाथ पे ही, आसानी के लिए कोई भी एक डायग्राम आप, अगर आपसे ये बनाने में दिक्कत है कुछ नहीं करो, एक बड़ा सा इस तरह से लो और उसमें लिख दो ह्यूमन बॉडी, अगर नहीं बनता है तो एकदम आपको 5 घंटा ऐसा आर्ट एंड क्राफ्ट करके बनाने की जरूरत नहीं है, चीजों को समझने की जरूरत है, ठीक है। तो आप ह्यूमन बॉडी लिख करके और वहां पे एक मॉस्किटो को दिखा दो या लिख दो बाइटिंग ऑफ मॉस्किटो एरो देकर के, ये सब लीवर तो आसानी से बन जाएगा। तो आप इतना भी बना के अगर काम चलाओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, आपका काम इतना से भी चल जाएगा। अब यहां पर जो साइकिल चल रहा है हमारा किसके अंदर, लीवर सेल के अंदर, तो वो होगा द पैरासाइट रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली इन लीवर सेल, यानी कि पैरासाइट अभी हमने लिखाया भी था, तो ये चीज पैरासाइट रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली इन लीवर सेल, पैरासाइट रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली इन लीवर सेल। अब लीवर सेल के अंदर एंटर किया है, नाउ ब्रस्टिंग एंड रिलीजिंग, यानी यहां पर देखो ब्रश करके यहां से रिलीज कर रहा है। अब ये जो एरो है यानी पैरासाइट अब कहां एंटर कर रहा है, तो पैरासाइट इनटू आरबीसी, तो पैरासाइट अब इस आरबीसी के अंदर में है, ठीक। अब यहां पर भी जो साइकिल चल रहा है, पैरासाइट रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली, पैरासाइट रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली, रिप्रोड्यूस किया है किसके अंदर, तो इस आरबीसी के अंदर, और एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करके रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली ब्रस्टिंग एंड रिलीजिंग आरबीसी कॉजिंग
साइक्लिक फीवर एंड अदर सिम्टम्स, साइक्लिक फीवर एंड अदर सिम्टम्स को, ठीक है। तो साइक्लिक फीवर एंड अदर सिम्टम्स को कॉज कर दिया। उसके बाद में देखो, अब जो पैरासाइट है, अब पैरासाइट नए आरबीसी को इन्फेक्ट करेगा, यानी पैरासाइट इन्फेक्ट न्यू आरबीसी, तो नए आरबीसी के अंदर इन्फेक्ट करेगा। तो किस लिए नए आरबीसी को इन्फेक्ट करता है? तो फॉर द सेक्सुअल स्टेज ऑफ गैमेटोसाइट के लिए, यानी कि जो सेक्सुअल स्टेज के लिए जो गैमेटोसाइट बनना है उसके लिए वह नए आरबीसी को क्या करेगा, वह इन्फेक्ट करेगा। तो सेक्सुअल स्टेज ऑफ गैमेटोसाइट इन आरबीसी, दिस इज द गैमेटोसाइट। ये क्या है? ये मान लीजिए, ये अभी हम बताए भी थे, ये ह्यूमन बॉडी है। तो दिस इज गैमेटोसाइट, गैमेटो साइट ऑफ पैरासाइट। तो ये गैमेटोसाइट ऑफ पैरासाइट किसमें है? ह्यूमन बॉडी के ब्लड में। और जब इसी ब्लड को, ये मान लो कि मॉस्किटो जो है वह बाइट करेगी, तो ये पैरासाइट का जो गैमेटोसाइट है वह इंटर कर गया है इस मॉस्किटो के बॉडी के अंदर। और जब इंटर करेगा तो इसके स्टमक में जाकर के यही फर्टिलाइजेशन करेगा और जाइगोट, जाइगोट से फिर स्पोरोजॉइट्स का फॉर्मेशन कराएगा। तो ये समझ के बात को यहां तक, गैमेटोसाइट ऑफ पैरासाइट, ठीक है। अब तो यानी कि जो फीमेल मॉस्किटो है वो गैमेटोसाइट को क्या करेगी? टेक विथ ब्लड करेगी। तो फीमेल फीमेल मॉस्किटो टेक गैमेटोसाइट फ्रॉम ब्लड मील। तो जो ब्लड मील लिया है उसके साथ में उसको क्या मिल गया? गैमेटोसाइट मिल गया है। कब? तो जब वो बाइट की है किसी उस इंफेक्टेड यानी मलेरिया वाले पेशेंट को, तब। तो जिसकी वजह से क्या होगा? तो फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट कहां होगा? मॉस्किटो के स्टमक में। तो यहां पर ये फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट इन मॉस्किटो स्टमक। तो मॉस्किटो के स्टमक में ये हो गया, तो मॉस्किटो के स्टमक में ये फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट हो गया किसका? तो ये गैमेटोसाइट का। तो जब फर्टिलाइजेशन हुआ तो जाइगोट, और जाइगोट से फिर क्या होगा? तो स्पोरोजॉइट में ये सलाइवरी ग्लैंड बन गया, तो ये सलाइवरी ग्लैंड में ये स्पोरोजॉइट बन गया। और फिर से यही जो अब किसी दूसरे, यानी ये जो सलाइवरी ग्लैंड में स्पोरोजॉइट है, ऐसा मॉस्किटो जब किसी दूसरे हेल्दी पर्सन को बाइट करेगी तो उसको क्या होगा? यानी स्पोरोजॉइट हेल्दी पर्सन के ब्लड में चला जाएगा, जिससे अब उसके अंदर वही मलेरिया का साइकिल फिर से चालू होगा। तो यानी मॉस्किटो बाइट अनदर ह्यूमन, व्हेन मॉस्किटो बाइट अनदर ह्यूमन, मॉस्किटो बाइट अनदर ह्यूमन। तो इस तरह से पूरा का पूरा साइकिल चलता है। आपको इस बात को ध्यान में रखना है बहुत सिंपल सा चीज, इतना कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। सिंपल तरीके से अगर याद रखें तो बस आपको इतनी बात याद रखनी है
कि ऐसा मच्छर फीमेल एनोफिलीज जिसके सलाइवा में मलेरिया पैरासाइट है, अगर वो किसी हेल्दी पर्सन को काटेगी तो वह पैरासाइट का जो स्पोरोजॉइट्स है उसके ब्लड में आएगा, ब्लड के थ्रू लीवर में पहुंचेगा, लीवर के सेल में जाके एसेक्सुअली अपना नंबर बढ़ा के फिर आरबीसी को इन्फेक्ट करके उसमें भी अपना नंबर बढ़ा के और गैमेट तक का फॉर्मेशन कर लेगा। और जिस समय आरबीसी हमारा ब्रश करके मरता है उसी समय इस बीमारी के बारे में पता चलेगा, क्योंकि गाउजिंग साइक्लिक फीवर एंड अदर सिम्टम उस समय आता है। और फिर उसके बाद ये गैमेटोसाइट जो बना है, अब उस हेल्दी पर्सन को फिर से कोई दूसरा मच्छर काटी तो उस ये स्पोर गैमेटोसाइट उसके बॉडी में जाएगा और जाकर के बहुत सारे स्पोरोजॉइट उसके बॉडी में बन गया। तो इस तरह से एक आदमी से दूसरे आदमी में, दूसरे आदमी से तीसरे आदमी में, यानी कि जेनाइटल एंड कॉन्जेनाइटल एंड नॉन कॉन्जेनाइटल डिजीज जो हम लोग देखे थे, तो थ्रू द एजेंट, ये मलेरिया जो है वो किसके एजेंट से, तो फीमेल एनोफिलीज एजेंट के थ्रू हो रहे हैं। तो ये इसका एक तरह का ये भी एक एग्जांपल है। और मलेरिया से ही सबसे ज्यादा क्वेश्चन रहता है, तो आप लोग को इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखना होगा कि मलेरिया के थ्रू जो है वह कौन कौन से क्वेश्चन आ चुके हैं और उसको फोकस करना होगा। तो यहां तक ये पूरे साइकिल को हम लोगों ने देखा। अब देखो कि जो प्लाज्मोडियम है, प्लाज्मोडियम के बहुत सारे स्पेसीज है, प्लाज्मोडियम इज द जीनस नेम, प्लाज्मोडियम कोई एक स्पेसीज का नाम नहीं है, जीनस का नाम है। उसके अंदर मोर देन 60 स्पेसीज है और 60 स्पेसीज में से सिर्फ 4 ही ऐसे स्पेसीज हैं जो मलेरिया काउज करते हैं। तो उनके नाम ये सारा चीज जो है अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ओके, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग, अभी मलेरिया का थोड़ा सा पार्ट और अभी है जिसे हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, ओके, बाय।